हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कबीला ट्यूटोरियल्स। आज मैं 20 फरवरी 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6000 करोड़ रुपीस के 6 राज्यों में कितने हाईवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं? करेक्ट आंसर है 8। इन 6 राज्यों में पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं उड़ीसा है। मिनिस्ट्री ने 8 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं जिनकी टोटल लेंथ 350 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनोमस एजेंसी है और यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की नोडल एजेंसी भी है। NHAI ने इसरो के साथ भी MOU साइन किया है जिसमें इसरो NHAI को सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवेज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में 22 फरवरी 2016 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन सुश्री उमा भारती के द्वारा कौन सा इवेंट इनॉग्रेट किया जाएगा? करेक्ट आंसर है जल मंथन 2। इससे पहले जल मंथन 1 2014 में इनॉग्रेट किया गया था। इस इवेंट की थीम होगी इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गंगा रिवर की लेंथ है 1569 माइल्स। यह भारत और बांग्लादेश में बहती है और भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल राज्यों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के 9th मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? करेक्ट आंसर है कालिखो पुल। कालिखो पुल एक कांग्रेस लीडर है। 25 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और अब तक वहां पर कोई भी सरकार एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अब कालिखो पुल अपनी सरकार बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, गवर्नर ज्योति प्रसाद राजखोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की नई मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है क्रिस्टीना लिगार्डे। क्रिस्टीना लिगार्डे को IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नए चीफ के तौर पर दोबारा री इलेक्ट किया गया है, यानी कि उन्हें दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, IMF हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स। मेंबरशिप 188 कंट्रीज की है। इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 देशों के ब्लॉक में यूरोपियन यूनियन ने किस देश को स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया है? करेक्ट आंसर है UK। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें कि 28 मेंबर स्टेट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूरोपियन यूनियन की कैपिटल ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो, UK की कैपिटल लंदन, प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड एंड आइडिया ने निम्न में से किसके लिए जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है? करेक्ट आंसर है पेमेंट बैंक। आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड ने पेमेंट्स बैंक सेटअप करने के लिए RBI से अप्रूवल ले लिया है। इस जॉइंट वेंचर के बाद जो नई एंटिटी डेवलप होगी उसका नाम है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर में ABNL और आइडिया सेलुलर की शेयरिंग 51:49 के रेशियो में है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड एंड आइडिया के बीच में जॉइंट वेंचर से जो नई एंटिटी का डेवलपमेंट हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और आर्मेनिया ने किस सेक्टर में कॉपरेशन के लिए अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर।
इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंघान ने अर्मेनिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेरगो कारापेतियान के साथ एमओयू साइन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अर्मेनिया की कैपिटल येरेवान, प्रेसिडेंट सेर्ज सारसयान, प्राइम मिनिस्टर हॉविक अब्राहमयान, करेंसी है ड्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 100 स्कोर किया है? करेक्ट आंसर है ब्रेंडन मैक्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन नॉवेलिस्ट जिनका निधन हुआ उनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है अम्बर्टो इको। उनकी पहली नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज। उन्होंने कई मेजर नॉवेल्स लिखी जिनमें द आइलैंड ऑफ द डे बिफोर और अन्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।